गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की उम्र में भले ही करीब 22 साल का अंतर था, लेकिन इन दोनों ही महापुरुषों ने 20वीं शताब्दी में ऐसा काम किया जिससे भारतीय राष्ट्र का भविष्य बदल गया। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर गांधी को कभी भी महात्मा नहीं कहते थे। वो कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। जाति के सवाल पर तो दोनों के बीच जबरदस्त टकराव था। आज उन्हीं गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को कट्टरपंथी हिंदू नाथूराम गोडसे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन आज हमें गांधी के हत्यारों का मूल्यांकन किस तरह से करना चाहिए? क्या हमें गांधी और गोडसे दोनों ही विचारधाराओं को रिजेक्ट कर देना चाहिए? सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व के बीच गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को किस तरह से समझना चाहिए? इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच हुई भिड़ंत को याद करना चाहिए। 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत को उजागर कर दिया। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता हूं। आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने वालों को कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के, जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले उनको बेहतर समझता हूं। यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि गांधी में महात्मा जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि उन्होंने महात्मा का चोला सिर्फ दिखावे के लिए ओढ़ रखा था। और असल में वो जाति के समर्थक हिंदू ही थे, कि जैसे बाकी समर्थक जो होते हैं हिंदू, वैसे ही वो जाति व्यवस्था के समर्थक हिंदू थे। जाति के सवाल पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच जो टक्कर होती है, वो आप देख सकते हैं उनकी बातचीत में जो उनके बीच में हुई है। लेकिन गांधी और कट्टरपंथी जो हिंदूवादी हैं, उनमें कई तरह की समानता भी आपको देखने को मिलेगी। गांधी रामराज की बात करते हैं और हिंदुत्ववादी भी आजकल रामराज की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। गांधी छुआछूत के खिलाफ थे और हिंदुत्ववादी भी छुआछूत को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन दोनों ही जातियों को खत्म नहीं करना चाहते। गांधी और हिंदुत्व के जो पोस्टर बॉय हैं, सावरकर हो, चाहे वो हेडगवार हो, गोलवलकर हो, ये ऐसे जो लोग हैं, ये भी जातियों को बनाए रखने की बात करते हैं, ये जातियों को खत्म करने की बात नहीं करते। गांधी इस मामले में तो एक कदम और आगे दिखाई देते हैं। और गांधी ने तो आप जानते हैं जातियों और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो अछूतों को मिले अलग निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए थे और बाबा साहेब को मजबूरी में 1932 में पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े थे। गांधी और हिंदूवादी दोनों ही ये कहते हैं कि जातियां या वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा है और ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये खत्म हो गई तो हिंदू धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था यानी जातियों को बनाए रखना वो चाहते हैं कि वो बनाए रखे जाएं, वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन आपस में सभी जातियों को छुआछूत नहीं करनी चाहिए। यानी जो जातीय समरसता की बात है, वो कहते हैं कि जातियां खत्म नहीं होनी चाहिए, मेलजोल से रहें, कोई अपनी जाति का जो काम है वही करे, जिसको जो जाति का काम दिया गया है वही करे, लेकिन एक दूसरे से छुआछूत ना करे। यानी वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो जाति के विनाश की बात करते हैं। गांधी बनाम अंबेडकर की लड़ाई को जातीय समरसता बनाम जाति के विनाश के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि असली लड़ाई तो विचारों की ही थी। ये जातीय समरसता कुछ नहीं है, बल्कि सीधा सीधा वर्ण व्यवस्था को सही तरीके से, कि उसमें जो वो लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं वो रहें और बाकी उनके नीचे रहें, उसी व्यवस्था को लागू करने की बात है। गांधी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ कई मायनों में कट्टर हिंदूवादियों के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। गांधी भी राजनीति में धर्म और राम के नाम का इस्तेमाल करते थे, आप सब जानते हैं। और आजकल कट्टर हिंदू होने वाली जो पार्टी है, वो दावा करती है, बीजेपी आरएसएस जैसे जो राजनीतिक संगठन है, वो कहते हैं राम के नाम पर ही सारी की सारी राजनीति होनी चाहिए, उसी का नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में दिलचस्प है कि पीएम मोदी एक तरफ गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, तो दूसरी तरफ वो सावरकर को भी नमन कर देते हैं। उनकी पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी सांसद नेता, वो खुलेआम गोडसे को यानी गांधी के हत्यारे को महान बताते फिर हैं। लेकिन बहुत से लोगों को गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व और आरएसएस के हार्ड हिंदुत्व में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर खुद गांधी को रूढ़िवादी हिंदू मानते थे, कि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, लेकिन वो उनमें कई तरह की खामियां भी देखते थे। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जब बाबा साहेब से पूछा गया कि क्या आप कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे, तो इसके जवाब में बाबा साहेब कहते हैं,
हाँ वो बिल्कुल रूढ़ीवादी हिंदू थे, वो कभी एक सुधारक नहीं थे, उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें, ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि अनटचेबल स्वराज्य की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने अनटचेबल्स के उत्थान के बारे में कुछ सोचा था। बाबा साहेब कहते थे कि गांधी अपने अंग्रेजी के अखबार हरिजन में जाति के सवाल पर पश्चिमी देशों का समर्थन पाने के लिए अलग बात लिखते हैं, जबकि वो अपने गुजराती अखबार में जाति को बनाए रखने जैसे विचार रखते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि गांधी यहाँ दोहरी भूमिका निभा रहे थे, यानी एक तरफ जाति को बुराई बता रहे थे और दूसरी तरफ उसे बनाए भी रखना चाहते थे। इस बारे में बाबा साहेब कहते हैं, यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया, लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़ीवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़ीवादी सिद्धांतों के समर्थक थे, जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए गए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड हैं। पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका कोई संदर्भ नहीं लिया। उनकी जितनी भी जीवनियां लिखी गई हैं वो उनके हरिजन और युवा भारत पर आधारित है और गांधी के गुजराती लेखन के आधार पर नहीं। यानी बाबा साहब गांधी के गुजराती अखबार में लिखे विचारों के आधार पर उनका आकलन करने की बात करते हैं। जाति के सवाल पर भी गांधी और उनके हत्यारे गोडसे के विचारों में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हिंदू सवर्ण प्रगतिशील लोगों की यही समस्या है कि वो कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन जाति के सवाल आते ही वो भी बाकी मनुवादी सवर्णों जैसे ही नजर आने लगते हैं। बाबा साहेब अपनी किताब जाति का विनाश में इस बारे में जिक्र करते हुए लिखते हैं कि पुरातनपंथी ब्राह्मण और प्रगतिशील ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही शरीर के दो हाथों की तरह हैं। एक हाथ पर कुछ आंच आती है तो दूसरा हाथ तुरंत उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। बाबा साहेब की इस बात के गहरे मायने हैं। अक्सर प्रगतिशील दिखने वाले सवर्ण भी जाति के सवाल पर नंगे हो जाते हैं और उनकी प्रगतिशीलता हवा हो जाती है। गांधी के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब आप जाति के सवाल पर उनके विचारों को आंकते हैं तो आपको लगता है कि वो एक कट्टर हिंदू की तरह ही पेश आ रहे थे। शायद इसीलिए बाबा साहेब ने उन्हें महात्मा नहीं कहा। वो कहते हैं कि मैं उनको महात्मा नहीं कहता। वो बाबा साहेब इस बारे में लिखते हैं कि गांधी कभी महात्मा नहीं थे, मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा, वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी नहीं। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच के टकराव पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन आज की अगर बात करें तो हमें इस टकराव को किस तरह से देखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहेब और गांधी के विचारों में भारी अंतर था, या यूं भी कह सकते हैं कि वो एक नदी के दो किनारों की तरह थे जिनमें आपस में कोई मेल नहीं था, अलग अलग थे, लेकिन फिर भी भारत को बनाने में इन दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी तरह की भूमिका निभाई है। हालांकि बाबा साहेब ये कहते थे कि गांधी के बिना भी भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता और वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी गांधी को ये भूमिका दी गई है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता है, इतिहास में लिखा जाता है और उनको इस तरह से प्रचारित किया जाता है। ये डिबेट अपनी जगह है, लेकिन मौजूदा दौर में आप अगर देखेंगे तो हम गांधी के हत्यारों के साथ खड़े नहीं हो सकते, इस बात को हमें मानना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भी कभी गांधी के हत्यारों के समर्थन में नहीं खड़े थे और ही हमें होना चाहिए, क्योंकि ये सही बात नहीं है। तमाम मतभेदों के बावजूद गांधी की हत्या करने वाले कट्टर हिंदूवादियों की विचारधारा से हमारा कोई मेल नहीं होना चाहिए। सही रास्ता ये है कि हम गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व को भी रिजेक्ट कर दें और बीजेपी आरएसएस के हार्ड हिंदुत्व को भी रिजेक्ट कर दें। दलित, बहुजन और वंचित जातियों का भला किसी भी तरह से जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसमें नहीं होने वाला, इसलिए हमें हर तरह के हिंदुत्व को नकार देना चाहिए। हमारे एक ही बाबा हैं और वो हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसलिए हमारा भला अंबेडकरवाद से ही हो सकता है।
क्योंकि जहर मीठा हो या फिर कड़वा जहर हो, जहर तो जहर ही होता है और जहर की फितरत यही होती है कि वो उसे खाने वाले को मार डाले। इसलिए हमें किसी भी तरह की जहरीली सोच से बचना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमें ये बता कर गए हैं। वो अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बनता है तो इस देश के लिए वो सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म समानता और लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसलिए हमें बाबा साहेब की बात को याद रखना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप गांधी और अंबेडकर के बीच की डिबेट को किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय दें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी ज़रूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।